नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। चुनावी वर्ष में जहां तमाम संगठन अपनी अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अब जबलपुर में अपनी मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय धरना दिया। विद्यार्थी परिषद की लंबे समय से मांग है कि छात्रों को मिलने वाले छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की जाए, साथ ही छात्रावास का सही तरीके से निर्माण होना चाहिए। इन्हीं सब तमाम मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शहर के सिविक सेंटर मैदान में एक दिवसीय धरना दिया। और 2003 से लेकर 2014 तक की अगर हम बात करते हैं, तो अभी तक जितने भी राज्यों की सरकार है, केंद्र ने जहां जहां राशि जारी की, अभी तक कोई भी सरकार स्थिति में नहीं है कि सारी जो हमारे 15 वर्ष की विधिवत राज्यवार जानकारी देने की स्थिति में नहीं है। किसकी लापरवाही है? नहीं, लापरवाही देखिए, जो व्यवस्था है व्यवस्था की लापरवाही है, और कहीं ना कहीं जो है वो दोषी है। विद्यार्थी परिषद मांग कर रही है कि शीघ्र जो इतने वर्षों से लंबित छात्रवृत्ति पड़ी है, महंगाई के सूचकांक के अनुसार छात्रवृत्ति बढ़नी चाहिए, छात्रों की संख्या के अनुपात के आधार पे छात्रावासों में वृद्धि होनी चाहिए, ऐसी अनेकों मांग विद्यार्थी परिषद की है। जबलपुर में चल रहे महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल होने आज साध्वी रितंबरा शहर पहुंची। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की स्थिति पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा में संस्कार नहीं है, स्त्री को समाज में शरीर माना जाना गलत है। वहीं नकली साधु संतों को लेकर साध्वी का कहना है कि नकली सिक्कों को देखकर घबराने की जरूरत नहीं, नकली भी असली के बल पर चलता है। पूरे शिक्षा के अंदर संस्कारों की कोई बात नहीं है। हम स्त्री को जब तक शरीर मानेंगे तब तक कैसे बात बनेगी? वो माँ भी है, भगनी भी है, पत्नी भी है, मित्र भी है, नेतृत्व भी करती है, कोख में हमें धारण करती है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। वो भावनाओं को जब तक हम अपनी संतानों के दिल में भरेंगे नहीं, तो परिणाम कैसे आएगा? वह भूमिका स्त्री की ही है कि वो अपने स्वयं सिद्धा बने, स्वयं की शक्ति को पहचाने और अपनी संतानों के हृदय के अंदर भी उदात्त भावों को भरें, ताकि हम इस निकृष्ट मानसिकता के जो शिकार हो रहे हैं उससे हमें मुक्ति मिले। नकली सिक्कों को देख के घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि नकली भी असली के बल पे चलता है। जबलपुर में गुरुवार को केंद्रीय रेल चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें सभी रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों ने ब्लड डोनेट किया। इसी दौरान DRM दीपक कुमार ने भी रक्तदान किया, साथ ही उन्होंने सभी को रक्तदान का महत्व बताया, रेलवे कर्मचारियों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। बहुत लोगों को रक्त की आवश्यकता होती है, तो यदि हमारी बॉडी से थोड़ा सा रक्त हम दे सकते हैं, और ये मेडिकली प्रूवन है, इसमें कोई कमजोरी नहीं होती, थोड़ी देर टेम्परेली होता है, बट ऐसा है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत स्ट्रांग इम्यून सिस्टम है, ब्लड की रिकवरी 1-2 महीने के अंदर हो जाती है, तो इसमें कोई भ्रांति की बात नहीं है, और ब्लड देना एक मानवता का कार्य है। जबलपुर में एक बार फिर दुष्कर्म का घिनौना मामला सामने आया है। 13 साल की मासूम बच्ची के साथ आरोपी राजा रजक ने मारपीट कर वारदात को अंजाम दिया है। मामला बरेला थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव का है। इतना ही नहीं, आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद मारपीट भी की, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजा रजक है, वो आरोपी है। शाम के समय ये अपने भाई के साथ कहीं जा रही थी सामान लेने, उस समय राजा जो धोबी है वो नशे की हालात में वहाँ पहुँचा और उसने उसके भाई के साथ चूमा झटकी की, उसको भगा दिया, और बच्ची के साथ उसने गलत काम किया, लैंगिक हमला किया। तत्काल हमारे एडिशनल SP उनके साथ सक्रिय हुए, हमारी टीम सक्रिय हुई, रात में ही आरोपी को हमने अरेस्ट कर लिया है। हम सारे जो औपचारिकता होती है, हमारी ऑफिशियल टीम, हमारे स्थानीय जो थाना प्रभारी तिवारी हैं, वो लगे हुए हैं। हम इस मामले को सनसनी केस मामले में चिन्हित करेंगे और प्रयास करेंगे कि इस मामले में भी हम आजीवन कारावास की सजा आरोपी को देना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ आप बने रहिए MS TV के साथ। नमस्कार।